क्वेश्चन नंबर 17, इसका तो आंसर बता दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 अभी बताएं। बैंक कैपिटल सर 20 बी आंसर होगा, बी हो जाएगा बैंक डेबिट कैपिटल। सर सी सी कार कार डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा सी आर। टी अकाउंट बना हुआ है, पहले तो ये बोलना है जॉन्स का टी अकाउंट है। जॉन्स कौन है, कस्टमर है सप्लायर है? सप्लायर है, कस्टमर है। कैसे पता चला, कैसे पता चला? उसने खरीदी है, हम बेच रहे हैं तो कस्टमर हुआ ना, सेल्स कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो कस्टमर हो गया ना आपका, रिसीवेबल। ठीक है, हम सेल कर रहे हैं, ये हमारा कस्टमर है, रिसीवेबल। ठीक, उसके अंदर पूरे देखिए अकाउंट बना हुआ है, कंप्लीट अकाउंट बना हुआ है, पोस्टिंग क्लोजिंग बैलेंसिंग सब कुछ है। रिक्वायरमेंट का व्हाट इज द बैलेंस ऑन जॉर्ज अकाउंट एज एट 31 जनवरी? बैलेंस बताना है, बैलेंस उससे दिया हुआ है कैलकुलेट करके 900। सिर्फ आपको ये बताना है डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट डेबिट जी डेबिट होगा। क्यों? अच्छा देखिए डेट यहाँ पर क्या है, 31 जनवरी। अगर हम डेट को फॉलो करें तो ये बैलेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड। लेकिन आंसर होगा डेबिट, 900 डेबिट। ठीक है, हाँ बता रहा हूँ। लेकिन डेट को देखेंगे तो वो तो क्रेडिट पे जा रहा है ना, और यहाँ 1 फरवरी है। अच्छा डेट को इग्नोर कर दें, बैलेंस क्या है इसका फिर बताएं, 900 डेबिट क्रेडिट? डेबिट होगा ना, क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो बैलेंस ज्यादा वाली साइड पे आता है ना। ग्रेटर साइड है डेबिट, क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट। तो ये चीज याद रख लें, देखिए जब भी बैलेंस की बात होगी तो हमेशा आपने पीडी बनाना होगा। ठीक है, तो हम कैरी डाउन लिखते हैं ना, 900 लिखा तो सेम वही ना। तो ये जो कैरी डाउन हम लिखते हैं, इससे हम दोनों साइड को इक्वल करने के लिए लिखते हैं। क्योंकि यहाँ डेबिट का टोटल 1750, क्रेडिट का टोटल क्या 900 हटा देना कम आएगा ना, 850 आएगा सर। साइड को इक्वल करने के लिए हम लिखते हैं कैरी डाउन। सिर्फ दोनों साइड को इक्वल करने के लिए लिखा जाता है, उसके बाद इसकी कोई, इसके अलावा इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। एक्चुअल में बैलेंस क्या होता है, बीडी। जब भी बैलेंस पूछेगा आपने बीडी बताना है, डेट कुछ भी। अब बोलो सर, वैसे भी जो साइड बड़ी होती है साइड आता है सर, तो जो साइड बड़ी होती है पता है आपको बैलेंस वही आता है। लेकिन अगर ये बीडी उस तरफ हुआ तो लेट हो जाएगा, बीडी को देखना आपने सुबह। क्योंकि देखिए एक चीज और है, अगर आप ये कहें 31 को क्रेडिट है, अगर इसको आप इस तरह बोले, और फर्स्ट को डेबिट है, तो ये क्या बात है? जबकि 31 और फर्स्ट के बीच तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही ना, तो क्या हो? मतलब आपका बैंक बैलेंस था, कल बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ऐसा हो सकता है? या आज ओवरड्राफ्ट था, कल बैंक में पैसे आ गए, अगर बैंक की बात करें ऐसा हो सकता है? आज भी है तो कल भी होंगे, और आज होगा ओवरड्राफ्ट है तो कल भी ओवरड्राफ्ट ही होगा ना, तो साइड कैसे चेंज हो जाएगी? अब आप ये कह रहे हैं कि पैसे ज्यादा निकाल लिए, जमा कम करा है, निकाले ज्यादा, ओवरड्राफ्ट। अब अगर आप ये कहें 31 को क्रेडिट है और फर्स्ट को डेबिट हो गया, तो ये हो सकता है क्या? जबकि 31 फर्स्ट के बीच कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप या तो 31 को क्रेडिट है तो फर्स्ट को भी क्रेडिट बोलेंगे, 31 को डेबिट तो फर्स्ट को भी डेबिट ही बोलेंगे। एक ही होना चाहिए ना दोनों डेट, डेट चेंज होने से बैलेंस चेंज। हाँ, इसलिए हमें हमेशा से बीडी को देखता हूँ, बड़ी साइड, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा बैलेंस, उसी साइड पर आएगा डेट कुछ भी हो।
अब जैसे आपसे वो ये कहे इस क्वेश्चन में आपसे वो ये कहे कि आप ये बताएं कि 23rd को बैंक बैलेंस क्या होगा, 23rd को बैलेंस क्या होगा, 23rd को बैलेंस क्या होगा, डेट चेंज करता हूं मैं, 23 को बैलेंस क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, देखें ये वाले 23rd के बाद वाले ट्रांजैक्शन कट कट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगी 28 पर, सही, यहां तक का टोटल करेंगे 23 तक का 1750 माइनस क्या होंगे सिर्फ 50, तो बैलेंस क्या आएगा 1700, तो 1700 डेबिट होगा क्रेडिट होगा, जनवरी को बैलेंस कितना था, 23rd एंड हो गया ना, 24 कर लेंगे, 24 कर लेंगे, कंफ्यूजन दूर हो गया, 24th को अगर आप क्या करेंगे 23rd तक की ट्रांजेक्शन लेंगे तो बैलेंस के साइड पे आएगा, बैलेंस के साइड पे आएगा, डेबिट ही कहलाएगा ना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 20th को बैंक बैलेंस क्या था, 20 जनवरी को इसका बैलेंस क्या था, 20 जनवरी को, तो ये कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कितने होगा 1250, माइनस होंगे तो 1200 बैलेंस आएगा, डेबिट क्रेडिट, डेबिट होगा क्यों, डेबिट वाली साइड ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब जब भी बैलेंस की बात होगी तो आपने हमेशा बड़ी साइड बताना होगा, ठीक है, डेट कुछ भी, डेट कुछ भी हो बैलेंस हमेशा ग्रेटर साइड पे आएगा, बड़ी साइड पे आएगा, डेबिट से पीडी बताना होगा, डेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 900 डेबिट सी आंसर, क्या पॉसिबल नहीं है, पहले में क्या है, इंक्रीज एसेट्स डेबिट होते हैं, इंक्रीज लायबिलिटी क्रेडिट होती है, पॉसिबल है, यस सर, क्योंकि देखिए एक इफेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट पे, एक इफेक्ट क्रेडिट होता है, दोनों डेबिट नहीं हो सकते, दोनों इफेक्ट क्रेडिट, इंक्रीज एसेट्स डेबिट, इंक्रीज कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट ये भी पॉसिबल है, इंक्रीज कैपिटल क्रेडिट, इंक्रीज लायबिलिटी क्रेडिट, दोनों क्रेडिट पे आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, आंसर सी हो जाएगा, करते हैं इंक्रीज कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज लायबिलिटी डेबिट, तो ये पॉसिबल है, आंसर सी हो जाएगा, दोनों इफेक्ट क्रेडिट साइड पर नहीं आ रहे, 21 जी, बाकी बताएं तो आंसर आ गया, क्या ढूंढ रहे हैं, तो स्टडी टैक्स है ना, इसमें थोड़ी मिलेगा स्टडी टैक्स है, स्टडी टैक्स है, ये एक्चुअली क्यों है, गलत लग गया, स्टडी टैक्स दे दिया आपको ऊपर टाइटल एग्जाम के तरह, अभी मेरे को सर एग्जाम के टाइम की बड़ी और हां ये है ना, ये साइज थोड़ा जल गया, आज उल्टा हो गया, टाइटल उल्टे लगा दिए, कॉपी करवा ली मगर टाइटल गलत लगा दिया, टाइटल अब ये सबका कैसे, कैपिटल कितने हैं, 10,000, लायबिलिटी कितनी है, दोनों को ऐड करें, एसेट हो गए, एसेट क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट हो गए, लायबिलिटी तो सब दी है, डी आंसर, डी कैपिटल दिया हुआ है, लायबिलिटी दी हुई है, इक्वेशन में हमारी एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तब आपने एसेट बताने कितने होंगे, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी एसेट होता है 14,000, लायबिलिटी उसमें दी हुई है
कैश डेबिट रिसीवेबल आंसर है कैश डेबिट रिसीवेबल करने बैठे हैं पढ़ने क्या पढ़ रहे किया हुआ हमने आंसर बताया कर ले तो सॉल्व कर ले फाइल दोबारा करें इसमें बिजनेस इक्वेशन यूज होगी ना बिजनेस इक्वेशन यूज होगी इसमें प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल इंटरेस्ट सॉल्व बिजनेस इक्वेशन से सॉल्व होगा बी बी बाकी बताएं बी आ रही कैसे आया दस हजार क्या किया फिर प्लस किया ये गलत हो गया गलत है सॉल्व करें जी क्या आंसर 1500 डॉलर आ रहे हैं आपका कर रहे हैं अच्छा बिजनेस इक्वेशन क्या थी कैपिटल माइनस कैपिटल स्टार प्लस जॉइन कैपिटल जो है एंड कितना है 4000 माइनस कैपिटल स्टार 10000 प्लस ड्राइंग 8000 माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट 4000 माइनस 1500 आएगा माइनस का मतलब लॉस चलो इसका है बी आंसर सी क्वेश्चन निकाल देना क्या है भाई पीछे लास्ट क्लास में लिखवाए नेक्स्ट सर सी 24 सी बाकी बताएं डेबिट यूजुअली इंक्रीज डेबिट में क्या आता है एसेट एक्सपेंस डेबिट होता है ना एसेट एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल तो सी आंसर रहेगा एसेट एंड एक्सपेंस दो घंटे आंसर बताएं
ड्रॉइंग डेबिट हो जाएंगी कैश या बैंक क्रेडिट होगा तो ए आंसर होगा ड्रॉइंग डेबिट सर बी भी होगा कैसे होगा लिखा हुआ है ना बैंक कैश मेरा बैंक होना चाहिए था लेकिन आप कैश है तो कैसे काम चला रहे पता के पता ना कैपिटल का हुआ था तभी तो डेबिट किया रिकॉर्ड ड्राइंग के नाम से जाता है ना इफेक्ट की बात करेगा तो कैपिटल डिक्रीज लेकिन रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग कैपिटल में रिकॉर्ड हो गया 27 सेल ऑफ इन्वेंटरी फॉर क्रेडिट सी दोनों एक ही आता है सीडी दोनों एक ही है डेबिट क्या है डेबिट में हां दोनों आंसर नहीं है बी है ना दोनों नहीं ना सी है ना डी है बी आंसर होगा ना गुड सेल हो रही ना कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट सेल कर रहा है तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट होगा बी इन्वेंटरी तो आएगी नहीं 28 27 डेबिट बैलेंस किस अकाउंट में आता है एसेट और एक्सपेंस डेबिट होते हैं ना एसेट एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है डेबिट बैलेंस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डी 28 हो गया सी 29 क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो डी आंसर 30 एंट्री किस चीज की बनानी है सेल की बनानी है कैश रिसीव की बनानी रिसिप्ट की बनानी रिसिप्ट की बनानी रिसिप्ट की एंट्री क्या होगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ये आंसर होगा वन मंथ पहले तो सेल की थी वन मंथ पहले सेल की थी आज कैश रिसीव हो रहा है कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट ये आंसर होगा 31 आपको डी लग रहा है बाकी बताएं सी आर कुछ भी नहीं ऑप्शन ही नहीं जी सी सेपरेट एंटिटी क्या था ओनर सेपरेट बिजनेस सेपरेट होता है ड्रॉइंग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है
ओनर सेपरेट एंटिटी सी बैंक ओवरड्राफ्ट 33 नॉट एन एसेट ओनरशिप पेटी कैश कैश ही है ना ये भी एसेट है ओनर्स कैपिटल कैपिटल एसेट में नहीं आता एसेट नहीं है ना ये मुझे नॉट एन एसेट जो एसेट नहीं है वो बताए हाँ वैसे इसको आप कह सकते हैं बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स नेट एसेट या इक्विटी एक ही बात होती है ना तो इक्विटी कहते हैं कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग डी आंसर 35 गर्ल्स एंड गर्ल्स से पूछो ये आंसर हो गया ड्राइंग ये छोड़ दें अभी इसका आंसर बता दें वैसे आंसर तो बता दें नई टर्म तो बाद में डिस्कस करेंगे इसको आप रिकॉर्ड क्या करते हैं ड्राइंग रिकॉर्ड करते हैं ओनर पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं क्यों करते हैं इसके रीजन क्या है इसे पर्सनल ले जाओ सेपरेट डी सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इसकी रीजन क्या है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करेगा तो उसको ड्रॉइंग अकाउंट में रिकॉर्ड ये सब बातें पढ़ेंगे ये बातें पढ़ेंगे एक बार अरे क्या यार इन्वेंट्री कर रहे ना इससे इसका इफेक्ट होगा क्या एसेट इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं क्रेडिट पर तो इफेक्ट क्या होगा एसेट इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज अच्छा नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है एसेट माइनस लायबिलिटी अब जितने से एसेट इंक्रीज होंगे उतने ही अमाउंट से लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो नेट एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा और कैपिटल में भी कोई चेंज आंसर एसेट इंक्रीज हो रहे हैं लायबिलिटी इंक्रीज इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा नेट एसेट्स में कोई चेंज 38 एक्सपेंस पे कर रहे हैं इन कैश तो कैश कम हो रहा है यानी एसेट डिक्रीज हो रही है एसेट डिक्रीज होंगे तो नेट एसेट्स भी डिक्रीज होंगे नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है एसेट माइनस लायबिलिटी तो एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो नेट एसेट्स डिक्रीज होंगे अच्छा सेकंड इफेक्ट अब एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होंगे ना एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज मतलब नेट एसेट नेट एसेट और प्रॉफिट दोनों डिक्रीज होते हैं क्लियर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा प्रॉफिट हो गया डिक्रीज पे कर रहे हैं कैश तो एसेट कम होंगे एसेट डिक्रीज होंगे तो नेट एसेट डिक्रीज होगा
बी आंसर होगा एसेट डिक्रीज, नेट एसेट डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज। बाकी बताएं सर, पहला नॉमिनल लेजर जनरल लेजर को कहते हैं ना, जनरल लेजर नॉमिनल लेजर मेन लेजर एक ही बात है ना। तो जनरल लेजर हमने बनाया था, जनरल लेजर में क्या बना रहे थे, अलग अलग अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे, अकाउंट्स बनाए थे ना। बी आंसर हो जाएगा जनरल लेजर में और आइटम का एक अलग अकाउंट। अच्छा ये भी हमने पढ़ा नहीं है, ये बातें पढ़ेंगे, इसको छोड़ देते हैं। 41 डेबिट बैलेंस, ऑप्शन ऑप्शन बताए ना, क्लियर है कोई? दो है, दो है, दो बता दो, तो फिर दो दो आ रहे हैं। लास्ट में है बी, हाँ बी आंसर आएगा। देखिए सेल्स इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होता है, रेंट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स डेबिट बैलेंस, कैपिटल क्रेडिट होता है। रेंट एक्सपेंस और ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस, आंसर बी 2 and 3। 42 होगा, कौन कह रहा है? बाकी बताएं। हाँ बी प्राइम एंट्री बुक, याद है शुरू में लिखवाया था प्राइम एंट्री बुक, फाइनल एंट्री बुक। प्राइम एंट्री बुक्स को प्राइम एंट्री क्यों कहते हैं? कि हर ट्रांजैक्शन की इनिशियल रिकॉर्डिंग, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होती है ना, उसके फिर फर्दर रिकॉर्ड करते हैं लेजर्स को। आंसर होगा बी, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जहाँ पे होती है ना, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद उसको पोस्ट करते हैं आप लेजर। बी आंसर 43। ये सब प्राइम एंट्री बुक्स में आते हैं लेजर। अच्छा लेकिन चीज याद रखें, लेजर किसी भी टाइप का, जनरल लेजर हो, पेबल लेजर हो, रिसीवेबल लेजर हो, कोई भी लेजर हो, ये फाइनल एंट्री बुक होती है लेजर, प्राइम एंट्री नहीं। बाकी ये सब आपके प्राइम एंट्री बुक्स हैं, ये आंसर हो जाएगा 44। अच्छा ये 44 क्योंकि हमने पढ़ा नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बात नहीं कर रहा है। 45 ये भी हमने नहीं पढ़े अभी। 46 पढ़ा आपने बताया दोनों जगह पे। 49 बैंक डिपॉजिट अकाउंट, 50 ये भी नहीं पढ़ा हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा ये 51 ये अकाउंट की बात हो रही है। मशीन है डेबिट बैलेंस है तो 30
देखिए मशीन अकाउंट है, मशीन आपका एसेट है, तो इसका कैरी डाउन कहाँ था क्रेडिट पर, ड्रॉ डाउन आएगा डेबिट, कैरी डाउन क्रेडिट और ड्रॉ डाउन डेबिट, बी आंसर हो जाएगा बी। 52 बी, 49 का बी था, बी गुजर गया, छोड़ दें बाद में बताता। कैपिटल तो कैपिटल का सी डी डेबिट में होता है, बी डी क्रेडिट में, कैरी डाउन डेबिट होगा, ब्रॉड डाउन ए आंसर है, कैरी डाउन डेबिट ब्रॉड डाउन ए। कैश तो बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड जी गर्ल्स बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, कैश इन हैंड एसेट है, आंसर बी आंसर हो जाएगा, बैंक क्रेडिट और कैश डेबिट बी। ये बताया 54 अच्छा यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस कैरी डाउन, सीडी वाले साइड बताने हैं, बताओ उस पर लिखा हुआ है ना, कैरी डाउन किस साइड पर आएगा ये बताओ, इक्विपमेंट एसेट है सर, डी है, अच्छा आपका डी, बाकी बताएं डी 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 कैरी डाउन इसका कहेगा क्रेडिट साइड पर और ब्रॉड डाउन डेबिट पे आएगा ना, वो क्या पूछ रहा है कैरी डाउन, तो कैरी डाउन कहाँ आएगा क्रेडिट साइड, आंसर डी हो जाएगा 1200 क्रेडिट। ये सेम क्वेश्चन है 55, उसमें क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन पूछ रहे ठीक है, बाकी जी गर्ल्स आंसर ओपनिंग बैलेंस 2000 डेबिट होगा, बाय करें 2000 की मशीन डेबिट 4000 हो गए, 1800 की सेल करी माइनस 1200 नहीं 2200 बैलेंस आ जाएगा, और ब्रॉड डाउन पूछ रहे हैं तो एसेट अकाउंट है, ब्रॉड डाउन क्या आएगा डेबिट पे, सी आंसर। बी आंसर वैसे होगा इक्वेशन से, वो जो की कैपिटल एंड बिजनेस इक्वेशन निकाले लास्ट क्लास में लिखवाई थी, लास्ट क्लास में लिखवाई थी बिजनेस इक्वेशन,
लुका ने क्या लिखा है? मिल गई कितना है? अब ये नहीं है, ये क्या जाएगा प्रॉफिट निकालने के क्रेडिट बैलेंस इसका होता है लायबिलिटी इनकम कैपिटल लायबिलिटी और इनकम बी आंसर आंसर होगा प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कैश। 59 कैश डेबिट कैपिटल डी 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 सर डी डी आंसर होगा। पेमेंट की एंट्री बतानी है, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश 61 सी बैंक ओवरड्राफ्ट 62 नॉट एन एसेट कंप्यूटर इक्विपमेंट एसेट पेडी कैश एसेट ऑफिस फोटोकॉपियर एसेट कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्सपेंस 63 आंसर होगा ना। प्रॉफिट प्लस होता है प्रॉफिट प्लस होता है ड्राइंग माइनस कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग डी आंसर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बाद में पढ़ेंगे, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ये तो फिर बाद में पढ़ेंगे बैंकिंग एंड पेडी कैश। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं वो भी सॉल्व करते हैं, वो आगे ढूंढना पड़ेंगे आपको। अच्छा क्वेश्चन नंबर 232 शुरू से यही पढ़ा रहा हूँ, शुरू से यही पढ़ा रहा हूँ। बच्चे अच्छे 232 233
नंबर आगे पीछे हां नंबर आगे पीछे बंद कर देंगे इसको देखो आपको नहीं मिलेंगे ढूंढते रह जाएंगे आप सर बी घर जाके ढूंढिएगा हां 233 बी बी आंसर सेम साइड पे ना ड्राइंग साइड परचेजेस दोनों डेबिट होता है ना बी आंसर किट में छोड़ देनी मिलेगा यहाँ से पढ़ाएगा घर जाके ढूंढिएगा किट घर जाके ढूंढिएगा अच्छा 239 अच्छा बी नहीं है बी के अलावा बता बी बी नहीं है डी बोल अच्छा अब देखिए ट्रायल बैलेंस इक्वल आने का मतलब ये नहीं होता जैसे बी लिखा एवरी एंट्री इज करेक्ट गलत भी हो सकता जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 की गर्ड सेल की एंट्री क्या होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 1000 अच्छा आपने क्या किया 1000 के बजाय आपने एंट्री बनाई 100 से कैश डेबिट 100 सेल्स क्रेडिट 100 भूल गए जीरो लगाना एरर हो गया मिस्टेक हो गई ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा कैश डेबिट 100 सेल्स क्रेडिट 100 इक्वल ही आएगा ना जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट इक्वल आएगा लेकिन एंट्री गलत हो गई एंट्री गलत हो गई एरर आ गया लेकिन ट्रायल बैलेंस इक्वल उसके बाद बी आंसर नहीं हुआ कि एवरी एंट्री इज करेक्ट एक एंट्री और है जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया तो एंट्री क्या बनाएंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट आपने एंट्री बनाई क्या बाय मिस्टेक सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट इक्वल आएगा लेकिन एरर आ गया इसका मतलब बी आंसर नहीं हुआ कि एंट्री रॉन्ग होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस इक्वल आ सकता है ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना ये शो नहीं करता कि आपकी हर एंट्री करेक्ट है पहले क्या था अच्छा पहला वाला ए देखें ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड ये भी नहीं है सर डी है डी आपने एक ट्रांजैक्शन की कोई भी ट्रांजैक्शन थी रिकॉर्ड करना भूल गए भूल भी तो सकते हैं एक कस्टमर को गुड सेल की रिकॉर्ड करना भूल गए गुड्स परचेज की रिकॉर्ड करना भूल गए कोई पेमेंट की रिकॉर्ड करना भूल गए ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा नहीं आएगा आएगा रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसका क्या इफेक्ट होगा बाय भी हो गया तो ट्रायल बैलेंस आपका इक्वल आएगा ए आंसर भी नहीं हुआ बी भी नहीं हुआ अच्छा डबल एंट्री हैज बीन परफॉर्म ये हो सकती है कि आपने हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बनाई जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट अब वो सही हो या गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बनाई सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट इक्वल आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल है ठीक तो सी आंसर हो सकता है ऑल नेसेसरी अकाउंट्स हैव बीन ओपन नहीं कोई बात रिकॉर्ड करना भूल गए रिकॉर्ड ही गायब हो गया तो आंसर क्या होगा सी ट्रायल बैलेंस का इक्वल आना क्या शो करता है कि आपने हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री सेम अमाउंट से बनाई बाकी इसकी कोई गारंटी नहीं है बाकी तो आंसर होगा इसका सी ये तो हम बात की बताते हैं
थोड़ा ध्यान देना टॉपिक हमारा अच्छा ये 255 अच्छा इसमें से कैश बुक का लिखा हुआ है कैश बुक हम आगे पढ़ेंगे कैश बुक क्या होती है फिलहाल इसको आप कैश अकाउंट सपोज करें यहाँ लिखा हुआ है कैश बुक कैश बुक हम पढ़ेंगे अभी ये पढ़ी नहीं हमने कैश बुक क्या होती है फिलहाल इसको आप कंसीडर करें कैश का डी अकाउंट कैश अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का कैश सेल्स है क्रेडिट सेल्स अच्छा चेक्स रिटेन का मतलब क्या है चेक्स रिटेन बनाए गए चेक्स चेक राइट से रिटेन बनता है ना राइट चेक लिखना चेक कब लिखते हैं लेना होता है पेमेंट करना होती है तो यहाँ चेक रिटेन पेमेंट्स को शो कर रहा है 1200 की आपने पेमेंट्स की अच्छा रेमिटेंस फ्रॉम रिसीवेबल पैसे आ रहे हैं तो ये हमने कैश रिसीव किया ये कैश पे हुआ दोनों कैश बुक में जाएंगे अब क्लोजिंग बैलेंस निकालना है आपको इसमें आप बनाए कैश का डी अकाउंट बनाए कैश या बैंक डी अकाउंट बनाए ओपनिंग बैलेंस है बाकी ट्रांजेक्शन पोस्ट करके क्लोजिंग बैलेंस बताएं क्या होगा बनाए डी अकाउंट एक कैश का डी अकाउंट बना लें ओपनिंग बैलेंस रिसीव पेमेंट्स क्लोजिंग बैलेंस निकालना है क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना है सर सेल्स का भी बनेगा ना सर कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा ओपनिंग बैलेंस डेबिट अच्छा कैश सेल्स 230 डेबिट होगा कैश क्रेडिट सेल्स बैंक सेल्स की एंट्री क्या होती है अकाउंट रिसीवेबल का डेबिट चेक्स रिटेन पेमेंट है और रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं डेबिट बैलेंस कर लें कैरी डाउन आ जाएगा ये आंसर आएगा 1380 तो बैलेंस कर लें आंसर आ जाएगा 13 ऑप्शन ए क्रेडिट सेल के अंदर क्या होती है कौन सा अकाउंट बता रहे कैश का रिसीवेबल नहीं आएंगे अच्छा बताए 263 इनकरेक्ट एंट्री बतानी कौन सी
इनकरेक्ट इनकरेक्ट डी डी आप कह रहे हैं डी, बाकी बताएं। हाँ नहीं समझ आ रहा सही है। जब अगर आप कैश की जगह अपनी गाड़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब कैश इन्वेस्ट करते हैं तो एंट्री होती है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और कैश के बजाय कोई एसेट इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके मोटर व्हीकल डेबिट कैपिटल, ये भी पॉसिबल है। परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल, ये भी सही है। ट्रायल बैलेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, ऐसी तो कोई एंट्री नहीं बनाई हमने, ये इनकरेक्ट। ट्रायल बैलेंस तो लिस्ट होती है ना, जिसमें हम बैलेंसेस लिस्ट डाउन करते हैं, जनरल जनरल में ट्रायल बैलेंस थोड़ी आता, डेबिट क्रेडिट थोड़ी होता। डी आंसर, ये इनकरेक्ट। अब लो इधर आवाज नहीं। अच्छा 267 रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने पता करना है, रिसीवेबल का अमाउंट बताना। सेल्स पर रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल 4,58,000 इधर ओवर एट माइनस हो जाएगी। इसमें क्या है कि इधर ट्रायल बैलेंस बैलेंस है, व्हाट इज द मैसेज फिगर, तो ट्रायल बैलेंस बनेगा। इसमें ट्रायल बैलेंस बनाएं, बैलेंस लिस्ट डाउन करें, दोनों साइड का टोटल करें, जो डिफरेंस निकलेगा दोनों साइड का वो आपके रिसीवेबल। हां इस तरह से कितने का माल बेचा आपने? हां गया वो बना रहे। अच्छा अच्छा बना रहे, थोड़ा सा टाइम हो गया। ठीक है ये बात आपके पास वो आगे भागे होंगे और फिर हमारे पास में जाएगा। फिर हमारे सेल्स में हमारा डेबिट में आएगा ना, जो फर्स्ट ऑफ सेल तुम्हारा क्रेडिट है, सेल हमारा डेबिट है, सेल्स क्रेडिट में होता है। हां तो फिर फर्स्ट ऑफ सेल, फर्स्ट ऑफ सेल क्रेडिट है, फर्स्ट ऑफ सेल हमारा डेबिट में आएगा ना, कॉस्ट है ना, ओवरहेड क्रेडिट में, ओवरहेड क्रेडिट में। जी आंसर ट्रायल बैलेंस नहीं बना अभी तक, सॉल्व करना है। सर ये डी आर जी आंसर। अच्छा इसमें ट्रायल बैलेंस बनेगा, मोबाइल बैग में रखे अपना, बैग में रखे
एग्जाम गेट का क्वेश्चन है, पिक्चर निकाल लो। अच्छा इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अच्छा कुछ बैलेंस डेबिट होंगे, कुछ बैलेंस क्रेडिट होंगे ना। अच्छा पहले इसमें क्या दिया हुआ है, सेल्स 628 सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स का बैलेंस आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, जनरल ओवरहेड्स डेबिट, ओवरहेड्स एक्सपेंस होते हैं ना, ओवरहेड्स एक्सपेंस होते हैं। पेबल्स क्रेडिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट होंगे, फाइन करने ना। रिसीवेबल्स डेबिट होंगे, क्रेडिट पे कहां रिसीवेबल्स डेबिट बात है ना, ये फाइन करने। रिसीवेबल्स के बाद कैश ऑन डिपॉजिट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, दोनों साइड का टोटल करेंगे। इसमें क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7,68,000, डेबिट का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 7,68,000। अच्छा डेबिट का टोटल करें तो ये आ रहा है आपके पास 6,57,000 आ रहा है। अब क्या करें, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड को माइनस करते हैं। 7,68,000 माइनस डेबिट का टोटल कितने, 6,57,000 आ रहा है। तो 6,57,000 माइनस करेंगे तो ये 1,11,000 आ जाएगा। ये रिसीवेबल्स आ गया 1,11,000 आपके रिसीवेबल्स आ गए, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ये क्रेडिट का टोटल है, तीनों का ऐड करें गलत आ रहा है। अच्छा इसके बाद ब्रेक भी देखें। अच्छा 269 इसमें पेबल अकाउंट बनेगा, अकाउंट पेबल का अकाउंट बनाएंगे, बताने के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस मेड ऑन क्रेडिट, परचेज फाइंड करते हैं उसमें। हाँ अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बनेगा और उससे हम ये परचेजेस फाइंड कर लें। ये करवा देता हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हम बनाएंगे अकाउंट्स पेबल का टी अकाउंट 269 अकाउंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 23,450, क्रेडिट में आ जाएगा 23,450 ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है 25,600, डेबिट साइड पे आएगा 25,600। इसके बाद है पेमेंट्स फॉर परचेजेस इन द पीरियड, पेमेंट्स पेबल में आती है डेबिट साइड पे ना, अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 87,350 और डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे कैश। अच्छा एक और चीज है, ऑफ द पेमेंट 17,850 रिप्रेजेंट कैश परचेज। अच्छा तब ये पेबल में तो नहीं आएंगे ना, तब इसमें से हमें कैश परचेज की पेमेंट माइनस करना होगी। 87,350 माइनस 17,850 69,500। यहाँ पर हम लिखेंगे पेबल अकाउंट में 69,500। ठीक है, जब परचेजेस की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट परचेज की एंट्री, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे परचेजेस। ये परचेजेस हमें
फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करते हैं, तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे कितना आ रहा है, यही टोटल क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 95,100, और इसमें से बीडी बैलेंस माइनस करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी कितनी, 71,650, ये हो जाएंगे आपकी क्रेडिट परचेजेस। इस तरह से ये पेबल अकाउंट बनाकर परचेज फाइंड कर लेंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, अब इस क्वेश्चन में इसने कैश परचेज कैलकुलेट करने को कहा था, इसी तरह वो क्वेश्चन देखिए आपसे कैश पेमेंट भी कह सकता है कैलकुलेट करें, ठीक है, इसी तरह इसमें कह सकते हैं आप वो कैश पे टू सप्लायर कैलकुलेट करें। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे आप, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यही टोटल डेबिट पे लिखेंगे, उसमें से कैरी डाउन माइनस करेंगे तो कैश पेमेंट आ जाएगी। तो इसका मतलब एक टी अकाउंट बनाकर आप कोई भी मिसिंग फिगर फाइंड कर सकते, ठीक। तो ये हो गया 269 ऑप्शन डी, क्लियर। इसके बाद 270 है, अच्छा इसमें ओपनिंग बैलेंस है, सुन लें, क्लोजिंग बैलेंस है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर, आवाज नहीं है आपकी, ठीक है। अच्छा ये एक नई ट्रांजैक्शन है, इरिकवरेबल डेट्स, ये भी हमने पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इरिकवरेबल रिसीवेबल रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, तो ये इरिकवरेबल रिसीवेबल क्या होते हैं, क्या एंट्री होती है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल बस इसकी एंट्री में बता दूंगा क्या होती है, बाकी सब ये फाइन क्या करना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स ऑन क्रेडिट है, इसके लिए हम बनाएंगे रिसीवेबल का टी अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक, 260 270। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 54,550, डेबिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस 52,560, क्रेडिट हो जाएगा 52,560, रिसीव फ्रॉम कस्टमर है 98,460, और नीचे लिखे ऑफ द रिसीप्ट 16,838 रिप्रेजेंट कैश सेल्स, अभी कैश सेल्स इसमें से माइनस हो जाएंगी, तो 98,460 माइनस 16,838 81,622 क्या होगी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, 81,622 कैश रिसिप्ट आ गई, फाइन क्या करना था, फाइन क्या करना है, सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो ये रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, अभी हमें फाइन करना है, क्या करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 134,182 टोटल डेबिट पे लिखेंगे 134,182, और इसमें से ये बीडी बैलेंस माइनस कर देंगे 796,32, सेल्स ये क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी 79,632, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इस तरह से एक अकाउंट बनाकर हम कोई भी मिसिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ही फाइन नहीं होता, कोई भी वैल्यू फाइन हो सकती है, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा द क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, चलो इत्तेफाक अच्छा है, चलो ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो